सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और साथ ही बजाएं घंटी का बटन ताकि आपको मिल सके हर वीडियो सबसे पहले। प्रभाप जी, आज आप लोग का स्वागत है दादाजी का ढाबा .com में। हमारे बहुत से दोस्तों का रिक्वेस्ट था कि आप सूप बनाएं, तो आज आप सूप की टमाटो सूप की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी आप कमेंट्स करते हैं उसको कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करें। जो भी आप करेंगे उसको भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी अपलोड करें। ये देखिए, हमने टमाटर को चार चार टुकड़े में काट दिया है। टमाटर जब भी दे तो पूरा पका दे, सूप के लिए बिल्कुल टमाटर पका होना चाहिए ताकि उसका सूप भी उसमें निकले। देखिए, हमने एक कढ़ाई दिया है, कढ़ाई में हमने एक टिक्की मक्खन का डाल दिया है, और यहाँ पे हमने ये अदरक बारीक बारीक काट दिया है, लहसुन काट दिया है बारीक बारीक, और यहीं पे 8-10 हरी मिर्च काट दिया है बारीक बारीक। ये देखिए, हमारा इधर मक्खन जब तक मेल्ट हो रहा है इसी में हम जो ना अदरक लहसुन और हरी मिर्च काटे थे, टोटल 50 ग्राम होगा सब मिला के तीनों चीज़। थोड़ा लहसुन ज़्यादा है, अदरक कम है, और उससे भी कम हरी मिर्च है। ये मक्खन में इसको हम फ्राई कर देंगे। और यहाँ पे हमने लगभग 2 किलो टमाटर काट रखा है, 2 किलो टमाटर को चार चार टुकड़ा काट रखा है, और इसी में हम इसको पका देंगे बढ़िया से। यहीं पे हम 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी डालेंगे। गैस का फ्लेम हमने हाई कर रखा था ताकि जल्दी से जल्दी टमाटर पक जाए। ये देखिए, हमारा आधा टमाटर गल गया है। इसी में हम 1 लीटर पानी और डाल देते हैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी ये खोल जाए। ये देखिए, हम इसमें हम बनाएंगे इसका ब्रेड क्रम्स बना रहे हैं। ये 4 पीस लिए हैं, इसको हिसाब से हम काट देंगे। ये देखिए, इसका हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। इधर हमारा तेल गरम है, उसी में हम इसको डाल देंगे, इसको भी हम फ्राई कर देंगे। उधर हमारा सूप पक रहा है दूसरे कढ़ाई में, इधर हम ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं। इसको 1-2 मिनट रखने के बाद बिल्कुल ये क्रंची हो जाता है। देखिए, अब क्रंची हो गया है, इसको हम निकाल देंगे। अब देखिए, हमारा ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो गया है। इसको हम एक ढक्कन पर निकाल देते हैं। उधर हमारा सूप देखिए खोल रहा है, ये 15 मिनट तक सूप खोलेगा। उसके बाद तो आप इसको जितना देर तक धीरे धीरे खोलाते रहें, लेकिन अभी 15 मिनट तक खोलेगा। देखिए, ब्रेड समोसा मट्ठी हम रोज़ बनाते हैं। इसमें देखना है कि इसकी ग्रेवी पतली होगी, जब ये पतली होगी तभी ये छानेंगे। अब इसको गैस का फ्लेम लो करके बढ़िया से पकाएंगे। ये देखिए, हमारी ग्रेवी इधर ठीक ठाक हो गई है। ये देखिए, तो हम इसको हम छन्नी पे करके इस तरह से हम छान लेंगे। इसमें जो भी हमारा टमाटर के छिलके होंगे, टमाटर हार्ड होगा, लहसुन होगा, वो सारा कुछ इसमें छन जाएगा। फ्लेवर अंदर और कचरा बाहर। एक तरह से कचरा नहीं है ये, चाहे तो आप किसी भी सब्जी में इसको डाल सकते हैं ग्रेवी के रूप में, ये ख़राब नहीं होता है।
इधर देखिए हम एक मग्गे में आधा लीटर पानी लिए हैं, लगभग 100 ग्राम से कम है, मतलब ये 50 ग्राम के करीब है ये। इधर हमारा सूप छान के हम एक पतीले में डाल दिए हैं दूसरे जगह, और इधर हमने अरारूट का घोल तैयार कर रखा है। अभी जब हमारा सूप खोल जाएगा तो हम इसमें छान के इसको डाल सूप खोल जाएगा तो अभी हमने जो डाला वो 50 ग्राम अरारूट था, उसमें डाल दिए हैं छान के। और यहीं पे हम टोमेटो केचप 1 कटोरी दे रहे हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। इसको हम बढ़िया से खौला देंगे। अगर आपको पता लगे कि अगर ये सूप थोड़ा सा कम गाढ़ा है तो इसमें आप थोड़ा सा और अरारूट बढ़ा सकते हैं, वो आपको देखना होगा कि सूप आपका कितना है। और यहीं पे हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं और ये ब्रेड क्रम्स डाल देते हैं। ये सूप हमारा बन के तैयार हो गया है। और यहीं पे थोड़ा सा हम अमूल क्रीम डाल देते हैं, या तो आप गिलास में डाल के थोड़ा थोड़ा डाल दें, या पतीले में ही सर्विंग कर दें। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। ये देखिए हमारा सूप बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम सर्व करेंगे। सूप को कटोरी में भी सर्व कर सकते हैं और दूसरे भी कटोरी में आप सर्व कर सकते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल है उसमें हम कर रहे हैं। और देखिए कितना बढ़िया सूप बन के तैयार हुआ है। इस तरह से सूप बनाएं और हमें ज़रूर लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपका सूप कैसा बना। तो फिर हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।